केमिकल काइनेटिक्स पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो हैं वो क्या क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा मैं क्विक रिव्यू में चलूंगा। जैसे कि रिएक्शन है ए गिव्स बी, सिंप्लीफाइड रिएक्शन ए गिव्स बी, देन इसकी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, एवरेज रेट ए के रिस्पेक्ट में माइनस साइन, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होता है इसलिए माइनस साइन फॉर्मूले में, डेल्टा फॉर द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ बी ओवर डेल्टा टी, मतलब बी हमारे पास इस रिएक्शन में प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज होता है तो यहां पर हम इसमें माइनस का साइन नहीं लेते। ओके, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस पे ये निकलता है बी का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर हमारे पास। तो न्यूमेरिकल के अंदर इस केस में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर गिवन होगा आपको तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लीजिएगा तो अपने आप ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर रिएक्टेंट में आप करोगे ऐसे फाइनल माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ओके, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। उस नेगेटिव वैल्यू के चक्कर में, उस नेगेटिव वैल्यू की वजह से हमको ये माइनस साइन फॉर्मूले में लेना होता है। इसी तरीके से अगर हम इस जनरल इक्वेशन की बात करें, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी, मतलब यहां पर स्मॉल ए बी सी डी हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स है, मतलब जिसको कहते हैं टेक्निकली स्टीशियोमेट्रिक कोफिशियंट। क्या बोलते हैं इसको? स्टीशियोमेट्रिक कोफिशियंट। और ए और बी हमारे रिएक्टेंट हैं, सी और डी हमारे प्रोडक्ट हैं, कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन भी। इस केस में हमारे पास आर इज इक्वल टू, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए एज इट इज माइनस एज इट इज डेल्टा टी, लेकिन ये वन बाई ए, इसको इक्वेट करने के लिए तो ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते चलते हैं, ये याद रखना। बी के रेस्पेक्ट में बी के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया, सी के रेस्पेक्ट में सी के केस में सी से डिवाइड किया, डी के केस में डी से डिवाइड किया। अब इसमें एक टर्म और आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी का क्या मतलब होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इसमें हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को काउंट नहीं करते हैं। फिर सुनिएगा, इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को काउंट नहीं करते हैं जब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं टर्म रेट ऑफ फॉर्मेशन और जो रिएक्टेंट है उसमें यूज कर रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज इक्वल टू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज माइनस, माइनस क्यों है? रिएक्टेंट का इशू है, तो डेल्टा बी ऑफ डेल्टा टी। इन फॉर्मूले पे बेस करते हुए हम लोग एक सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल देखेंगे। अब देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये क्वेश्चन है, एन टू प्लस थ्राइस एच टू गिव्स ट्वाइस एन एच थ्री, ये अमोनिया के सिंथेसिस की रिएक्शन है। इफ द रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इज 0.06 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा ये पूछा गया है। इस रिलेशन में नाइट्रोजन और अमोनिया के बीच में ही क्योंकि क्वेश्चन है तो मैं हाइड्रोजन को रिलेशन में यूज नहीं कर, तो डेल्टा ऑफ द एन टू ओवर डेल्टा टी, देखिए नाइट्रोजन के साथ कोई कोफिशियंट नहीं है तो मैंने क्या किया, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। अब ये अमोनिया के केस में कोफिशियंट टू है तो कैसे बनाया, वन बाई टू इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई चेंज टाइम, ठीक है। यहां पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दिया हुआ है नाइट्रोजन का, तो डेल्टा ऑफ N2 divided by delta is given in this question. ये तुम्हारे पास relation है, ये given quantity है, इसको हम लोग use करेंगे। तो इसमें से 2 को इधर multiply किया
एक इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये वाला कंपोनेंट हमको गिवन है, देखो ये इतना ये गिवन है, तो 2 × 0.06 ये आपके पास आंसर। तो ये एक सिंप्लीफाइड केस है, लेकिन ये क्योंकि क्लास 11 में पढ़ाया जाता था पहले, लास्ट ईयर से ये अपने पास शिफ्ट हुआ है 12th में, तो इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस 10 से 15% ही होते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अब हम लोग बात करेंगे इसकी लॉ ऑफ मास एक्शन की। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का देने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने क्लास आज का डिजाइन किया था सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए, बट थोड़ा थोड़ा थ्योरी बताता चल रहा हूं। तो इफ ए गिव्स बी, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है कोई, तो इसका लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ द ए, क्योंकि रेट इसका लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए, तो आर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ द ए, मैं स्मॉल आर यूज कर रहा हूँ रेट के लिए। इसके लिए रेट लॉ क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ द ए रेस टू पावर ए बी रेस टू पावर बी, ठीक है, ये बना हमारे पास किसके अकॉर्डिंग, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, ये जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है। लेकिन रेट लॉ ये नहीं होता, रेट लॉ होता है ये, इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पर m लिया है हमने, यहाँ a लिया है, इस m और a में सिर्फ a और m वाला डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। ये जो m है ये हम निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, कैसे निकालते हैं भाई, एक्सपेरिमेंट के बेस पे निकालेंगे, ये n कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट के बेस पे निकालेंगे, और ये जो m प्लस n है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के हेल्प से ही निकाली जा सकती है, विदाउट एक्सपेरिमेंटल डेटा हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। कोई भी ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि ये इक्वेशन है, मैंने कहा आपसे N2 plus thrice H2 gives twice NH3, मैंने ऐसे इक्वेशन दी और बोले ऑर्डर बताओ, नो, क्वेश्चन ही गलत हो गया ये, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन से हम लोग ऑर्डर नहीं कैलकुलेट कर सकते। ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा देना पड़ेगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं जिसके ऊपर एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, इसलिए हमको ऐसा इसके मॉडिफाइड फॉर्म पे, आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड यूज करते हैं, जिसका ये डिटेल निकल के आता है। इस फॉर्मूले से हमारे पास ये रिलेशन क्या आएगा, इसी को मॉडिफाई किया हमने, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बोर्ड में मिलने के चांसेस 90% कम से कम। तो K रेट कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है भाई, रेट कांस्टेंट है, 2.303 लॉग को बेस E से बेस 10 पे कन्वर्ट करने के लिए यूज किया गया है, T यहाँ पर क्या है, टाइम है, ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ए माइनस एक्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी सेकेंड, ठीक है, मतलब जिस टाइम पे तुम कैलकुलेशन करना चाह रहे हो उस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये इसका रिलेशन। अब इसमें टी अगर हम लोग हाफ लाइफ कंसीडर करें, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें रिएक्शन अपने ओरिजिनल अमाउंट का आधा हो जाती है, मतलब a माइनस x बिकम्स a by 2 हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अगर यहां पर a माइनस x की जगह में a by 2 रख दूं तो ये a यहां पर आएगा और 2 ऊपर जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, log ऑफ 2 आ जाएगा, log ऑफ 2 की वैल्यू होती है, log ऑफ 2 बेस 10 पे होता है 0.3010। इस 3010 को जब 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा
0.693। तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड करके ये बना दिया गया, k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय t हाफ। t हाफ क्या है? हाफ लाइफ है। तो ये फॉर्मूला प्लस हाफ लाइफ का फॉर्मूला, ये दो बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को, इससे ये बनाया था, इस रिलेशन को ऐसे लिखें लॉग 10 पे कन्वर्ट करके, लॉग बेस 10 पे, तो इसको लॉग ई की जगह लॉग 10 लॉग ऑफ द ए माइनस एक्स बेस 10 इज इक्वल टू माइनस के ओवर 2.303 डॉट टी प्लस लॉग ऑफ ए बेस 10। इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन की इक्वेशन से इसको कंपेयर कर दें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग ऑफ a माइनस एक्स, m जो है स्लोप ऑफ द लाइन आ जाएगा माइनस के ओवर 2.303, x एक्सिस पे t टाइम आ जाएगा और इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस हो जाएगा लॉग ऑफ द a। इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा। इस x एक्सिस के ऊपर क्या ले लिया हमने? टाइम t ले लिया। y एक्सिस पे क्या कंपेयर किया है? लॉग ऑफ a माइनस एक्स बेस 10 ले रखा है, ठीक है। स्लोप इसका माइनस में है, ठीक है। स्लोप इसका कैसा है? माइनस में है, क्योंकि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन तो होनी है, लेकिन इसमें इंटरसेप्ट भी है तो ये ओरिजिन से नहीं जा सकता, और माइनस है तो ये ऐसे जाएगा, तो ये इसकी लाइन ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो इंटरसेप्ट आएगा, दिस इंटरसेप्ट बिकम्स इक्वल टू लॉग ऑफ ए, ठीक है। और इसका जो स्लोप होगा ए बी सी, तो ए बी इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट ऑफ द बी एक्स एक्सिस बी सी, इन दोनों का किसके बराबर हो गया? माइनस के ओवर 2.303। तो ये एक्सपेरिमेंटल तरीके से रेट कांस्टेंट निकालने का तरीका है, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन फिर कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेगा भाई? इस फॉर्मूले पे। बात समझ में आई? अब चलते हैं आगे। ये एक क्वेश्चन है, सिंपल था, मैंने समय कम लगाने के लिए पूरा सॉल्यूशन आपको दे रखा, फटाफट समझते हैं इसको। 75% ऑफ ए रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट। देखो टाइम दिया है टी, 75% कंप्लीट हो गई। व्हेन वाज द 50% कंप्लीटेड? कह रहे हैं 50% कब कंप्लीट होगी बताइए। हमारा फॉर्मूला था k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t लॉग ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन a फाइनल कंसंट्रेशन a माइनस x, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में टाइम गिवेन है टी, इतनी रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो इनिशियल और फाइनल दिया है, के की वैल्यू निकल आएगी इससे। देखो क्या किया, इनिशियल कंसंट्रेशन तो रखा अपन ने 100, क्योंकि परसेंटेज में रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो शुरुआत तो 100% से हुई होगी भाई, तो 100 रख दिया। 75% कंप्लीट हुई है तो बचा कितना? 25 बच गया। 2.303 ये है, टाइम टी कितना लगा? 32 मिनट्स लगा। इससे के निकलेगा क्योंकि रिएक्शन तो वही है, तो के बदल देगा नहीं यहां पर, क्योंकि 50% के लिए टाइम पूछा ना, तो के रिमेन कांस्टेंट। अब दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस में फिर 100% शुरुआत हुई, 50% कंप्लीट हुआ तो 50% बच गया, 2.303 टाइम टी पूछा गया है अपन से। ये दोनों इक्वेट क्यों कर दिए हमने? क्योंकि एक ही रिएक्शन है तो इसमें के कांस्टेंट होगा, के सेम, इसलिए ऐसा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, टी इज इक्वल टू 16 मिनट। द हाफ लाइफ ऑफ, ये इस टाइप का न्यूमेरिकल भी मिलेगा, बोर्ड का क्वेश्चन है ये भी, 3 नंबर में आता है नॉर्मली। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ 14C मतलब कार्बन 14 इज 5730 ईयर। ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन मिले तुम्हें रेडियो एक्टिव डिके का, तो पहली बात तो तय है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके कैसा होता है?
फर्स्ट ऑर्डर होता है तो तुरंत अपना ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो पीछे पढ़ के आ रहे हैं। एन आर्कियोलॉजिकल सर्वे आर्टिफैक्ट कंटेंट वुड हैड ओनली 80% ऑफ द कार्बन 14 फाउंड इन ए लिविंग ट्री। जितना लिविंग ट्री में कार्बन 14 मिलता है उसका 80% उसमें है, इसका मतलब बाकी सब डिकम्पोज हो गया। ठीक है, अब पूछा गया है अपने से एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल। इसमें टी हाफ गिवेन है हमको 5730, ये देखो टी हाफ दिया है। इस वाले रिलेशन से जो के और टी हाफ का रिलेशन पीछे पढ़ा था हम लोग ने, फिर से अलग से लिख दे रहा हूं 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। ठीक है, इसमें के मालूम, टी हाफ मालूम है, के निकल आएगा, ये यहां निकाल दिया। हमसे पूछा टाइम था तो ये रिलेशन हम लोग ने फिर से लगाया, ये डबल तरीक लगाना होता है फॉर्मूला। के फिर से लगाया 2.303 टाइम टी हमसे पूछा गया है, लॉग ऑफ द ए ओवर ए माइनस एक्स। इनिशियल तो 100% क्योंकि परसेंटेज में बोला है। अब यहां कह रहे हैं कंटेंट हैड ओनली 80% ऑफ द फॉर्मूला, तो 80% बचा है ना, 20% खर्चा हुआ, तो यहाँ पर हम लोग ने नीचे क्या रखा, रिमेनिंग अमाउंट में 80%। लेफ्ट हैंड साइड में के ये निकल के आया था, ये वैल्यू पूरी रख दी, सिंप्लीफाई किया, टाइम आ गया। टाइम की यूनिट को बार बार किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन में टाइम की यूनिट अगर मिनट में दी है तो मिनट में कैलकुलेट कर लेना, करते हुए चले आना। अगर ईयर में दिए तो ईयर में कैलकुलेट करते हुए चले आना। लास्ट में जो आंसर आपके पास आएगा वो ईयर में ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसके यूनिट कन्वर्जन में परेशान नहीं होना। द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फाउंड टू फॉलो ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लिख दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इफ इट टेक्स 20 मिनट्स फॉर 30% ऑफ ओरिजिनल मेटेरियल टू रिएक्ट, कि 30% रिएक्ट होने में 20 मिनट्स लग रहे हैं। कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट, मतलब के पूछ लिया भाई, ये के है 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ ए ओवर ए माइनस एक्स। तो के की वैल्यू पूछी है, 2.303 दिया है, टाइम कितना दिया है 20 मिनट, ये यहाँ 20 रख दिया, लॉग ऑफ परसेंट में कहा है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स 100, 30% रिएक्ट कर गया तो बचा कितना, 70 बच गया। कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा, ये मिनट में कैलकुलेट किया हुआ, ये सेकंड में कैलकुलेट किया हुआ। इसी में बी पार्ट है, द टाइम एट 20% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल रिएक्टेड, वो टाइम बताना है जिसमें 20% रिएक्ट कर जाए। K इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ओवर 20, क्यों, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला था अपना पुराना वाला केस, K वैसे बराबर होगा। यहां पर टाइम टी पूछा है हमसे 100, 20 कंप्लीट होगा तो रिमेनिंग 80 बचेगा, फिर इनको इक्वेट कर दीजिए। तो इस साइड में देखो सब कुछ नोन है, इस साइड में सब कुछ नोन है एक्सेप्ट टी, यू कैन कैलकुलेट टी। लास्ट टॉपिक इसमें जो है ये आरहेनियस इक्वेशन होती है, ये थोड़ा सा परेशान कर सकती है न्यूमेरिकल को लेकर के या फिर कॉन्सेप्शनल वे में। तो आरहेनियस इक्वेशन हमारे पास है k इज इक्वल टू ए डॉट ई रेस टू पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। पहले तो समझते हैं है सब क्या, k यहाँ पर वही पहले की तरह रेट कॉन्स्टेंट है हमारे पास, ए हमारे पास एक आरहेनियस कॉन्स्टेंट के नाम से जाना जाता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से जाना जाता है, तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू। ई ए को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं भाई इसको, एक्टिवेशन एनर्जी। आर को बोलते हैं गैस कॉन्स्टेंट, टी को बोलेंगे टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, ये तो सबके नोटेशन। अब ये ई जो है, ये वाला ई क्या है, नेचुरल बेस है ये। तो अब इस नेचुरल बेस में दिख ये रहा है कि जो रेट कांस्टेंट के है वो ई के इस टर्म में है,
तो ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। जब ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन है तो तुम इसको डायरेक्टली यूज करके ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी ये वाली फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं भाई। इसको सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकते हैं, बस क्या करना है देखो, मैं ड्राइव कर देता हूँ। K इज इक्वल टू ए डॉट ई ई ए ओवर आर टी माइनस, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग ऑफ के बेस ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ द ए बेस ई, ये मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस में आ जाएगा, लॉग बेस ई ई रेस टू पावर ई ए ओवर आर टी, ठीक है। अब इसमें लॉग ऑफ के बेस ई इज इक्वल टू, ये हमारे पास लॉग ऑफ ए बेस ई बच गया, ये माइनस ई ए ओवर एट आर टी के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, रेस टू पावर है क्योंकि, और ये आ गया लॉग ई बेस ई। जैसे लॉग टेन बेस टेन पे वन होता है, ऐसे लॉग ई बेस ई पे वन हो जाएगा। तो इसमें ये तो पोर्शन हो गया वन, तो मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये आ गया लॉग ऑफ के बेस ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बेस ई माइनस ई ए ओवर आर टी। अगर मैं इस ई बेस को 10 पे कन्वर्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा 2.303, लॉग ऑफ के बेस 10 हो गया आप मेरे पास, इधर हमारे पास फिर मल्टीप्लायर आया 2.303 लॉग ऑफ ए बेस ई हो गया मेरे पास, सॉरी बेस 10 हो गया माइनस ई ए ओवर आर टी। अगर मैं इस पूरे रिलेशन को 2.303 से मल्टी डिवाइड कर दूं तो ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा लॉग ऑफ के बेस 10, ये बचेगा, फिर इसको भी 2.303 से डिवाइड करोगे तो लॉग ए बचेगा। ई ए ओवर आर टी को जब तुम 2.303 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये रिलेशन यूज करते हैं हम लोग किसमें, न्यूमेरिकल के लिए। इसी की एक फॉर्म और है, मैं यहां फिर उसको आगे बढ़ाता हूं, लॉग के बेस 10, इसको मैं कर देता हूं के वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए, ए कांस्टेंट क्वांटिटी है याद रखो, पहले बताया था ई ए कांस्टेंट रहेगी इक्वेशन के लिए, आर T1 मतलब टेम्परेचर T1 पे ये रिलेशन है। ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर बदलेंगे तो K2 बदल जाएगा, क्योंकि K2 क्या होता है भाई, मतलब K जो है रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ A माइनस EA ओवर RT2, इन दोनों को माइनस कर दो, ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बच गया तुम्हारे पास क्या लॉग ऑफ K1 ओवर K2, क्योंकि माइनस में है ना तो डिवीजन में आ जाता है, बेस 10 इज इक्वल टू, ये तो कट गया, अब ये प्लस वाला था तो इसमें क्या करते हैं ई ए ओवर 2.303 भी तो था ना, आर ये कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1/T2 माइनस 1/T1, ये रिलेशन बच जाएगा। अब इसमें तुम्हें न्यूमेरिकल ऐसे मिलेगा, ये बन गया तुम्हारे पास पूरा, है ना, इसमें K1 देंगे K2 देंगे T1 देंगे T2 देंगे, चार क्वांटिटी देंगे भाई, और चार में से देने के बाद तुमसे ये आर तो कांस्टेंट है, ई ए की वैल्यू निकलवा लेंगे, या फिर ई ए देंगे तो इन चार में से कोई तीन दे करके चौथी क्वांटिटी। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आपका इस चैप्टर का न्यूमेरिकल हो जाएगा। फिर एक बार कहूंगा कि आरएनएस इक्वेशन पे आता है बोर्ड में, ऐसा ही नहीं आता है, 30% चांसेस होते हैं इसके क्वेश्चन आने के, लेकिन मेजर चांस जो है अपना 70-80% उससे भी ऊपर जो है वो क्या रहता है, पहले वाले।